बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास डेंटल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में बहुत सारी तादाद ऐसे मरीजों की है जो दांत लगवाने के लिए आते हैं। उनके दांत जो नेचुरल टीथ हैं वो लॉस्ट हो चुके होते हैं किसी वजह से भी, कीड़ा लगने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या उन्होंने रूट कैनाल करवाई होती है, वो फेल हो जाती है, उसके बाद वो दांत निकलवा चुके होते हैं। तो उनकी डिमांड ये होती है कि हमें आप आर्टिफिशियल टीथ लगा दें और रिप्लेस कर दें ताकि हम जो च्यूइंग का फंक्शन है, खाने पीने का फंक्शन है, वो दोबारा से हम उनसे परफॉर्म कर सकें। तो अक्सर ये होता है कि जब हम उनको चेक करते हैं और एक्सरे करवाते हैं उस एरिया का, तो उसमें नज़र आता है कि दांत का ऊपर का हिस्सा, जो क्राउन पोर्शन है, जैसे कि ये क्राउन पोर्शन है टूथ के ऊपर का ना, तो ये ऊपर से ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन उसके दांत की जो जड़ है, जो रूट पोर्शन है, वो अभी भी वहाँ पड़ा होता है। वो क्रॉनिकली आप समझें कि वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, दर्द नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, कुछ इन्फेक्शन नहीं हो रहा, वो वहाँ पर है, ठीक है। तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर हमें रिप्लेसमेंट करनी है दांत पे तो पहले हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये जो ब्रोकन डेंटल रूट, इसे हम कहेंगे कि जो ब्रोकन डेंटल रूट या रिटेन डेंटल रूट जो कि बोन में मौजूद है अभी तक, पहले इसको हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका ज़ख्म ठीक होगा तो उसके बाद हम दांत लगा सकते हैं। इस चीज़ से वो अवॉइड करते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, वो समझते नहीं है, वो कहते हैं नहीं आप इसके ऊपर ही दांत लगा दें। और ऐसी सिचुएशन में जब वो अताइयों के पास जाते हैं तो अताई वहाँ पर दांत लगा भी देते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है, जब आप उसके ऊपर टूथ लगा देते हैं, आर्टिफिशियली रिप्लेस कर देते हैं उसको, तो फ्यूचर में वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ पेश आती है तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप पहले उस रूट को निकलवाइए और उसके बाद वहाँ पर रिप्लेसमेंट करवाएं दांतों की। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि ठीक है दांत हमने निकलवा लिया तो अब हम उसको रिप्लेसमेंट नहीं करवाते, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मॉडल में, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ से दांत निकल गया है, जैसे ये आपको खाली स्पेस नज़र आ रही होगी, ठीक है, तो अगर यहाँ से दांत निकल गया है तो अब इसके साथ अब इसकी रिलेशन देखिए। जब हमारे मुंह में सारे दांत होते हैं इस तरीके से, तो वो आपस में ऊपर नीचे वाले दांत मिल रहे हैं, आसपास के दांत भी आपस में उनका कनेक्शन है, इस वजह से एक इक्विलिब्रियम या बैलेंस मेंटेन होता है हमारे मुंह के अंदर, और उसकी वजह से चबाने में, खाने में, दांतों का आपस मिलने में एक नेचुरल हारमोनी उसमें क्रिएट हो जाती है। तो होता क्या है कि जब एक दांत यहाँ से मिसिंग होगा, वो किसी वजह से लूज़ कर लिया पेशेंट ने, तो उसको रिप्लेस ना कराने के नुकसान क्या है, नीचे वाले दांत को ऊपर से स्पेस मिलेगी, क्योंकि पहले वो टकरा रहा था ऊपर वाले दांत से, अपनी जगह पे था वो, लेकिन जब उसको यहाँ स्पेस मिलेगी तो वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये नेचुरल मैकेनिज्म है कि जहाँ भी टूथ को स्पेस मिलती है उस तरफ वो मूव करने की कोशिश करता है। जो नीचे उसकी हड्डी है उससे भी उसका कनेक्शन लूज़ हो जाता है, गम्स के साथ कनेक्शन उसका लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, दूसरा क्या होगा, साथ के जो आसपास के दांत हैं उनसे भी कनेक्शन लूज़ हो गया, तो वो दांत इस तरफ, जो उसके बैक वाले दांत है वो आगे की तरफ, और जो आगे वाले दांत है वो पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और वो उसमें हम कहते हैं कि टिल्टिंग, ड्रिफ्टिंग, रोटेशन हो जाती है दांतों की। तो उनका जो हड्डी से कनेक्शन है वो भी लूज़ हो गया, गम साथ कनेक्शन है वो भी लूज़ हो गया, तो उससे क्या होगा, जब फर्ज करें कि एक दांत इस तरीके से है आपस में मिले हुए, जैसे आप तीन दांतों को देख सकते हैं ना, एक इसमें से ख़त्म हो गया तो उस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इसकी बैक साइड से जब ऐसे वो आएगा तो रूट एक्सपोज होगी, ठीक है, और उस पोर्शन में ठंडा गर्म भी लगेगा, फिर आप खाना खाएंगे तो वो खाना वहाँ जाके फंस जाएगा, और उसके फंसने की वजह से, क्योंकि फॉरेन बॉडी है आपका, खाना खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन ऐसे ऐसे क्रिएट होगा, और उसकी वजह से नीचे जो हड्डी है, हड्डी में रिजॉर्प्शन उसे कहते हैं, हड्डी घुलने लग जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये टूथ लूज होगा, ऐसे हिलने लग जाएगा, और अल्टीमेटली ये भी निकालना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम एडवाइस क्या करते हैं कि जैसे ही एक दांत आपका निकल गया, आप फ़ौरन से उसको रिप्लेसमेंट कराइए, ताकि जो भी इक्विलिब्रियम है, हार्मनी है, बैलेंस है टूथ का, आपके जो डेंटिशन का आपस में दांतों का, जिससे आप चबाते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, आप जो नज़र आने में भी अच्छा लगता है, तो वो मेंटेन हो जाए और जो बाकी दांत हैं वो मुतासिर ना हों। एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, लोग बताते हैं कि हमने एक दांत निकलवाया था, या आपने भी सुना होगा, शायद आपके जहन में भी आता हो कि हमने एक दांत निकलवाया था, उसके बाद हमें बाकी दांत भी निकलवाने पड़ गए, ठीक है, किसी एक हमारे दोस्त ने एक दांत निकलवा लिया जाकर, उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद उसको दूसरा दांत निकालना पड़ा, फिर तीसरा निकालना पड़ा, तो वो इसी वजह से होता है कि जब आपने दांत तो निकलवा लिया, खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी उसकी RCT नहीं हो सकती होगी, या वो सेवेबल नहीं था, इतना उसमें इन्फेक्शन आ गया था, तो वो निकालना तो पड़ गया, लेकिन अगली उसमें क्या सिचुएशन है, वो क्या है कि आप उसको रिप्लेस कराएं। जब रिप्लेस नहीं करवाया
तो वो उसको ऊपर स्पेस मिली, ऊपर की तरफ वो चल पड़ा, साइडों पे भी मूव कर सकता है वो, और अल्टीमेटली उसकी ग्रिप जो बोन में ख़त्म हो गई और किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, खाना फंसने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई, ठंडा गर्म लगा उसमें, कीड़ा लग गया उस साइड पे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपोज होगा तो उसमें ये सारे अमल हो सकते हैं। इसकी वजह से ही वो दांत लूज़ करना पड़ा उन्हें सेकेंड। वजह ये नहीं थी कि एक दांत निकाल दिया था जो कि पहले से प्रॉब्लमेटिक था तो बाकी दांत उस वजह से ही निकालने पड़ गए, या डॉक्टर का कसूर था इसमें कोई, इसमें ऐसी बात नहीं है। पेशेंट को अवेयरनेस भी नहीं थी, तो आपको चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको अवेयरनेस आप दें इस बारे में, और इस लिहाज से फिर पता चलेगा कि हमने रिप्लेसमेंट कराना कितना ज़रूरी है। तो आप खुद भी इस चीज़ को सोचिए, अपने दोस्तों को बताइए, फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई खुदा ना खास्ता दांत निकालना पड़ता है उसकी रिप्लेसमेंट वो ज़रूर करवाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो ये बनाएंगे कि रिप्लेसमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं दांतों की। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।